तो इफ्तारी कर लिया दोस्तों, और इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के भी बैठा हूँ। थोड़ा भी परेशानी थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये परेशानी बिजली वाले का है। उन्होंने कहा कि आप पैसे भर दो, बिजली काट दिया मेरा 4-5 महीना पहले ही। अब बोला कि ठीक है पैसा दे दो, बिजली का जोड़ देंगे। परसों ही पैसा ले लिया और फ़ोन कर दिया मिस्त्री को कि बिजली जोड़ दो इनका, और चालू भी कर दिया उन्होंने नंबर को, लेकिन अभी तक वो बिजली जोड़ने के लिए नहीं आया है। मिस्त्री को बार बार फ़ोन किया, जेई को फ़ोन किया, बोला कि शाम तक आपका जोड़ देगा, और मीटर रीडिंग वाले को भी फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि जुड़ जाएगा आपका। अब मिस्त्री को फ़ोन करता हूँ, बोलता है थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, फ़ोन कीजिएगा थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। वो कल से इसी तरह समय दे रहा है। अब आप बोले दोस्तों कि ये कैसे होगा कि हम लोग छोटे मोटे काम करने वाले हैं, काम करते हैं हम लोग, कुछ पैसा अपने लिए अर्निंग करते हैं, और वो बिजली काट के बैठा हुआ है। अभी समय है कुछ कमाने का थोड़ा बहुत, और आज बेखदी वदी के परेशान है दोस्तों, क्या बताऊँ। किसी को बताने का नहीं मिला तो सोचा आप लोगों के साथ ही बाँट लूँ, और इस अनियमितता को, इस परेशानी को आपके सामने रख दूँ कि ये कितना अच्छा हो रहा है। आप ही लोग इसमें कमेंट कीजिए कि कितना अच्छा काम है कि कोई पैसा दे भी दे तो उसका बिजली काट करके अपना मनमानी कर रहा है। इस तरह से तो बिजली विभाग बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है। तो दोस्तों घर आ गए नमाज पढ़ के, तरावी पढ़ के, और खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं रोटी और तरकारी। तो आप लोग भी खाना खा के सो जाइए और सुबह का फजर के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और बने रहें हमारे ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग।